आज जोरावर स्टेडियम में मुख्यमंत्री की आभार रैली होगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता का आभार व्यक्त करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और धर्मशाला में होने वाली रैली ऐतिहासिक होने का दावा लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। विधायक सुधीर शर्मा ने तैयारियों का जायजा भी लिया। सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी, ये सुधीर शर्मा की तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, तमाम पूरे किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज होने वाली आभार रैली कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी भीड़ जुटने के आसार नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, नई सरकार बनने के बाद ये पहली रैली हो रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की, और धर्मशाला में क्योंकि शीतकालीन सत्र का आगाज कल से होना है तो उससे पहले आज ये रैली होने वाली है। आभार रैली को नाम दिया गया है और 12 बजे के करीब जो है वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला वो पहुंचेंगे इस रैली में खासतौर पर। और क्योंकि दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री तो दिल्ली से सीधे जोरावर स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है, यहां पर रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद हम कह सकते हैं कि आज शाम को ही विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, और उसमें कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर चर्चा भी की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश यहाँ कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी कि जनमत जो है, जनादेश जो हमें मिला है वो इस तरह का जनादेश मिला है, इस भीड़ के रूप में वो जनादेश मिला है, तो इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरा कांगड़ा जिला हम कह सकते हैं वो लगा हुआ था। और खासतौर पर अगर धर्मशाला की बात करें, वहां के विधायक सुधीर शर्मा है, मंत्री पद के भी दावेदार है, तो उनकी तरफ से भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश वहां पर की जाएगी। हालांकि बाकी भी जो चुनावी हलके हैं जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिला में पड़ते हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र से भीड़ को लोगों को लाने की कोशिश वहां पर की जाएगी। और इसमें देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री बड़ी बात क्या कहते हैं, 10 गारंटी को लेकर जो बातें होनी है और लोगों का आभार भी जताया जाएगा। इस विपरीत माहौल में भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया गया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। प्रदीप, तो आज आभार रैली होगी धर्मशाला में, कांग्रेस की आभार रैली होगी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचेंगे और विधायकों की तरफ से आभार रैली के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया।